नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। सो गाइज़, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ वगैरह सुनाई देता होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं और इसके पहले मैंने जितने भी सारे वीडियोज़ किए हैं फिर भी लोग उस पर बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं और 90% ऑफ द डाउट्स जो रहते हैं वो रहते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कस्टम ड्यूटी के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट्स है और आज इसी वीडियो में हम सारे जितने भी कस्टम ड्यूटी के रिलेटेड डाउट्स है सारे मैं सॉल्व करने के ट्राई करूँगा, और उसमें से भी अगर कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रोसीजर्स बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस रैंडम मैं पिक करने वाला हूँ जो हमारे चैनल पे पूछे गए थे, और उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। सो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, काफ़ी छोटा वीडियो होगा और सारे आपके डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी क्यों लगता है। सो गाइस, अगर आप बाहर से कोई भी कंट्री से, कोई भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में अगर कोई भी चीज़ मंगाते हो तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। सो गाइस, उसमें भी आपको एग्जम्पशन रहता है। अगर आप कोई सैम्पल पीस मंगा रहे हो तो आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। क्यों? आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ये बाबा मैंने एक सैम्पल पीस मंगाया है और इसके बाद मैं लॉट में मंगाने वाला हूँ और तभी जाके मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा। तो तभी आपको एक एग्जम्पशन मिलता है उस केस में। सो सैम्पल पीस जो रहता है उसमें आपको एक एग्जम्पशन मिलता है। सेकेंडली, कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटी लगता कैसे है। सो गाइस, कस्टम ड्यूटी के लिए हर एक प्रोडक्ट का रहता है एक HSN कोड। सो HSN कोड के ऊपर आपका जो कस्टम ड्यूटी होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। सो उसमें एजुकेशन सेस रहता है, GST रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, सब मिला के आपका कस्टम ड्यूटी का अमाउंट बनता है। सो अभी ये चैनल टेक रिलेटेड है, तो टेक रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सभी पे आपको 40-41% का कस्टम ड्यूटी लगता है। जी हाँ दोस्तों, 40-41% का कस्टम ड्यूटी आपको देना ही पड़ेगा। सो गाइज, ये बात हुई व्हाट इज़ एग्जैक्टली कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी कैसे रहता है और वो क्यों लगता है, और कोई भी बाहर की चीज़ जो इंडिया में आती है उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देना ही पड़ता है। सो गाइज, अगला क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेस करें तो हमें कस्टम ड्यूटी कैसे बचानी है। सो कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए सबसे पहले आपको मैं कस्टम ड्यूटी के बहुत ही बड़े निच के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही बड़े सीक्रेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, मैंने जितने भी पहले वीडियोस बनाए हैं कस्टम्स पे, उस पर मैंने बोला है कि आज तक मुझे एक भी चीज़ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगा। कैसे? सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि AliExpress.com है, Banggood.com है, या फिर GearBest.com है, या फिर eBay.com है, कोई भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हो तो आप एक सर्टन कमोडिटी खरीदते हो और उसके लिए सर्टन प्राइस आप पे करते हो। सो जो सेलर है जब भी वो आपका आइटम शिप करता है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो आपने $50 का आइटम खरीदा है, सो सेलर जो है $50 का अमाउंट कभी भी डिक्लेयर नहीं करेगा गाइस। जी हाँ दोस्तों, कभी भी वो $50 का अमाउंट डिक्लेयर नहीं करेगा, वो काफ़ी कम अमाउंट डिक्लेयर करता है, जैसे कि $10, $15। और जब भी वो कस्टम ऑफिसर के सामने प्रोडक्ट आता है तभी कस्टम ऑफिसर देखता है यार ये तो $10 या फिर $15 का प्रोडक्ट है तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी लगाना या नहीं लगाना वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर पे। और जो गाइस दूसरी बात है, ऑफिसर देखता है यहाँ पे लिखा है सैम्पल पीस, सो सैम्पल पीस अगर उसके ऊपर लिखा रहेगा तो भी आपको कस्टम ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगती है। सो बहुत सारे जो सेलर्स रहते हैं वो वही काम करते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसका कमोडिटी का वैल्यू है वो डिक्लेयर कम करते हैं और उसके तहत आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। सो गाइज, ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो है HSN कोड की हेल्प से। सेकेंडली, कस्टम ड्यूटी आपका जो एग्जम्पशन है कस्टम ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा वो कैसे डिपेंड करता है, और सेकेंडली जो सेलर है वो अमाउंट कम करता है या फिर सैम्पल पीस रहता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी रहता है डिपेंड रहता है, और सेकेंडली सबसे फाइनली जो रहता है वो रहता है कस्टम ऑफिसर पे। बट मोस्टली अगर वैल्यू कम रहेगी तो कस्टम ऑफिसर भी उसके ऊपर कस्टम नहीं लगाते, भले ही आपका पार्सल कितना भी बल्की क्यों ना हो। सो गाइज, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछे थे कि अगर मैं कोई भी एक टॉय खरीदता हूँ या फिर कोई भी चीज़ खरीदता हूँ 10,000-15,000 की प्राइस रेंज में तो क्या मुझे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। गाइज, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप $100-150 के ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे आता है इंश्योरेंस। सो जो सेलर रहता है वो आपकी जो अमाउंट है कम नहीं डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि अगर उसने कम डिक्लेयर की और अगर बीच में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ का इंश्योरेंस उन्हें क्लेम नहीं मिलता है, नहीं क्लेम कर सकते वो, और आपको भी उनको रिफंड देना पड़ता है। सो इतनी बड़ी जो एक्सपेंसिव चीज़ रहती है उसका वैल्यू कभी भी वो कम डिक्लेयर नहीं करते हैं, एक्चुअल अमाउंट डिक्लेयर करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा।
और वो भी कम्प्लीटली डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर पे। अगर आप लकी होगे तो आपको नहीं लगेगा कस्टम ड्यूटी। एक और एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि कस्टम में अगर लो वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। गाइज, मैंने आपको वैसे ही पहले बोला कि $50 तक जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर $100 तक भी, वो लोग क्या करते हैं, जो कस्टम का वैल्यू रहता है कम डिक्लेयर करते हैं। सो कस्टम ऑफिसर उसे एग्जाम करता है और छोड़ देता है, और उस पर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। और ये जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स के जितने भी सेलर्स हैं जो इंडिया में बहुत सालों से बेच रहे हैं चीज़ें, उनको पता है और वो हमेशा जो कस्टम की वैल्यू है कम ही डिक्लेयर करते हैं। कस्टम ड्यूटी वेट बेस्ड होता है क्या? नहीं दोस्तों, कस्टम ड्यूटी वेट के ऊपर कभी भी बेस्ड नहीं होता, साइज़ के ऊपर कभी भी बेस्ड नहीं होता, डायमेंशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने रिमोट कंट्रोल टॉय जो RC प्लेन था मेरा, वो मैंने मंगाया था और वो काफ़ी बल्की था, हैवी भी था, और उसके ऊपर कुछ लगभग $27 की अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर की थी, फिर भी मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं लगा। सो वेट के ऊपर कम्प्लीटली वो डिपेंड नहीं रहता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है, मैक्सिमम कितने डॉलर पे कस्टम ड्यूटी लगता है? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका $100 का प्रोडक्ट होगा और सेलर ने अगर उसे $20 का डिक्लेयर किया तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बट अगर $100 के ऊपर जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस के तौर पर उन्हें जो एक्चुअल अमाउंट है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऑफिसर ने यहाँ पर ओपन अप करके देखा तो फिर शायद ये प्रोडक्ट सीज किया जाएगा। उसके लिए वो लोग जो एक्सपेंसिव चीज़ें रहती है उसके ऊपर जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिक्लेयर करते हैं, और उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इफ़ आई बाय अ प्रोडक्ट ऑफ 2000 rupees, डू आई नीड टू प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट ऑन कस्टम्स? सो गाइज, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री की बात आती है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है क्या? नहीं दोस्तों, जब तक आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे तब तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका जो KYC डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, उतना अगर आपने जो शिपिंग कंपनी है उसको प्रोवाइड किया तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और वो भी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है जब तक मुझे कोई जो FedEx या फिर DHL कंपनी है वो लोग ने KYC नहीं पूछा है। बट फ्री एयर पार्सल का जो रहता है, जो इंडियन लोकल पोस्ट ऑफिसेस रहते हैं वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी KYC डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें एयर पार्सल मेथड यूज़ करनी चाहिए या DHL, FedEx वगैरह ऐसे जो पेड शिपिंग मेथड्स है वो यूज़ करने चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा फ्री एयर पार्सल के लिए जाइए, क्योंकि उसके तहत आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आप DHL या फिर FedEx से जाते हो, अगर आप $50 का भी प्रोडक्ट उनके थ्रू ऑर्डर करते हो तो वो आपको ज़रूर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। 101% आपको कस्टम ड्यूटी वहाँ पे चार्ज होगा। और मेरे साथ एक केस में ऐसा हो चुका है, मैंने लगभग कुछ $46 का एक छोटा सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो हार्डली 100 ग्राम के नीचे था और उसका डायमेंशन भी काफ़ी छोटा था, बट फिर भी मुझे FedEx ने कस्टम ड्यूटी चार्ज की थी। सो गाइज, जो FedEx और DHL है काफ़ी रिनाउंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे पास वो कुरियर पर्टिकुलर डिलीवर करते हैं, 4 या 5 डेज में ही डिलीवर करते हैं। सो कस्टम से बाहर निकालने के लिए वो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करते हैं और जल्दी से क्लियरेंस करके बाहर निकलते हैं। सो कस्टम ड्यूटी FedEx और DHL जो पेड पार्सल्स रहते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको कस्टम ड्यूटी लगने के। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि सर, मैंने बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था, अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं आया है, ऐसा वैसा। सो गाइज, इसके पहले मैंने आपको हर चीज़ में बोला है कि आपको PayPal यूज़ करना है। अगर आप PayPal यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी, बोलते ना, एक अश्योरेंस मिलता है, आपका प्रोडक्ट भी अगर भले कितना भी लेट आए आप PayPal पे क्लेम कर सकते हो और उसके तहत आपको कैशबैक ज़रूर मिलेगा। सो उसके लिए हमेशा PayPal यूज़ कीजिए। AliExpress पे PayPal अवेलेबल नहीं है, बट खैर कोई बात नहीं, AliExpress वाले आपको जो सेलर हैं उनके साथ डायरेक्ट मैसेजिंग का एक सपोर्ट मिलता है आपको AliExpress में। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही रैंडमली पूछते हैं। और गाइज, कस्टम ड्यूटी के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी ये कम्प्लीटली कस्टम ऑफिसर पर डिपेंड करता है। बट जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहली बात जो किसी को नहीं पता, ज़्यादातर जो सेलर रहते हैं वो लोग सैंपल करके आपका प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो सैंपल के ऊपर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। सेकेंडली जो रहता है वो रहता है कमोडिटी की वैल्यू कम डिक्लेयर करते हैं, सो उसके तहत भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। थर्ड जो मैंने आपको बोला कि आप फ्री एयर पार्सल जो इंडियन पोस्ट का है वो सिलेक्ट कीजिए, उसके तहत आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बट अगर आप FedEx DHL यूज़ करते हो या फिर कोई भी रिनाउंड शिपिंग कंपनी का फैसिलिटी यूज़ करते हो तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी लगने के चांसेस 99% है। और फाइनली अगर हम बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट आप PayPal से करें, वही सेफ़ है और उसके तहत आप क्लेम भी रेज कर सकते हो।
तो गाइस ये कंप्लीट फंडा था कस्टम ड्यूटी का। सो कस्टम ड्यूटी के लिए आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ई कॉमर्स पे शॉप कर रहे हैं, जो चीज़ आपको इंडिया में 5,000 की मिलती है वही चीज़ आपको वहाँ पे 500 से लेके 1,000 रुपये के बीच में मिल जाती है। सो गाइस मेरे हिसाब से तो आप इंटरनेशनल वेबसाइट पे शॉपिंग करना चाहिए। और सेकेंडली बहुत ही सेफ़ हो चुका है आजकल के टाइम में, जहाँ पे आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है शॉपिंग के लिए। आपका प्रोडक्ट 100% डिलीवर होगा, अगर नहीं भी होता तो भी आप क्लेम कर सकते हो, डायरेक्ट उनके पोर्टल से। सो गाइज मुझे इतना ही बताना था कस्टम ड्यूटी के बारे में। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए वो डाउट, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। सो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।